नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट नंबर वन। देखेंगे दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल देखिएगा, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। दोस्तों याद कहाँ है ये है दोस्तों, लोथल में, ठीक है याद रखिएगा। यानी सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में, तो लोथल में गोदी या फिर डॉक यार्ड होने का प्रमाण मिला है। याद रखिएगा दोस्तों लोथल क्या है, लोथल एक दोस्तों बंदरगाह है। याद रखिएगा लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल याद रखिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। अगर बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, याद रखिएगा हड़प्पा खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा खोज किया था दोस्तों। हड़प्पा जो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, बात करते हैं तो हड़प्पा दोस्तों याद रखिएगा पंजाब के मांडू मेरे जिले में स्थित है, जो पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। और बात करते हैं कि हड़प्पा जो है हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, कौन सी नदी, रावी नदी। अगर बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, तो राखलदास मुनाजी ने 1922 में किया था। याद रखिएगा 1922 में मोहनजोदड़ो खोज किया गया था। सबसे बड़ा स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सेकंड नंबर सवाल है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। याद रखिएगा तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था वो वज्जी था। याद रखिएगा उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, वज्जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, थ्री नंबर सवाल क्या, अगर आपके सामने थ्री नंबर सवाल देखिएगा, थ्री नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है दोस्तों। सबसे पहला है डलहौजी दोस्तों, याद रखिएगा सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था दोस्तों। याद रखिएगा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। कब किया गया था, 1829 में। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका क्या दोस्तों, गलत है, ठीक है सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस ने अस्थाई भू बंदोबस्त दोस्तों ये सही है आपका, टू सही है दोस्तों। और आपका दोस्तों बिलेजली, ठीक है सहायक संधि का जनक कहा जाता है बिलेजली को, याद रखिएगा बिलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपका सही है, यानी कि टू और थ्री सही है दोस्तों। विलियम बैटिंग, याद रखिए दोस्तों विलियम बैटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी रेगुलेटिंग एक्ट पारित नहीं किया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर फोर भी क्या है दोस्तों, गलत है। यानी कि टू और थ्री क्या है दोस्तों, सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन कौन सा है, तो टू और थ्री सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक और चार दोस्तों गलत है। याद रखिएगा कि डलहौजी के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, व्यापगत का सिद्धांत यानी कि हड़प की नीति किसका है दोस्तों, ये डलहौजी का है। डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलवाई थी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है। लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था 1829 में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी थ्री का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दो और तीन क्या दोस्तों, सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फोर नंबर सवाल कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था दोस्तों। याद रखिएगा तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव आया था दोस्तों 30 मार्च 1942 को आया था। कब आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 मार्च 1942 दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फाइव नंबर सवाल देखिए, फाइव नंबर सवाल क्या कहा जाता है दोस्तों कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है, ठीक है याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसको बोलते थे दोस्तों गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों, पूना समझौता 1932 में हुआ था, किसके किसके बीच, तो पूना जो पैक्ट हुआ था 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है याद रखिएगा। देखिए नरम दल और गरम दल दोस्तों, ठीक है अलग कब हो गए थे, तो याद रखिएगा नरम दल और जो गरम दल अलग हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है याद रखिएगा। और नरम दल गरम दल एक कब हो गए थे, एकजुट कब हो गए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों सिक्स नंबर सवाल कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा वो कौन सा समय था, वो था दोस्तों 2016, ठीक है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था, तो 2016 था, जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सेवन नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, सेवन है कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों। याद रखिएगा तो कौन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विधानंद थे। कौन थे, स्वामी विधानंद थे दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। अगला दोस्तों आठ नंबर सवाल है कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, ठीक है याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों एट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के, तो वास्को डी गामा ने 1498, ठीक है याद रखिएगा, 1498 को, ठीक है वास्को डी गामा ने 1498 समुद्री मार्ग खोज किए थे भारत के, ठीक है याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि
वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग खोज कब किए थे? 1498 में किए थे, या ध्यान रखिएगा 1498 में किए थे दोस्तों, 17 मई 1498 को, ठीक है। अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। जैसे 9 का जो सवाल है दोस्तों, सवाल देखिएगा कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए सबसे पहले बात करें द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, एक 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, नागासाकी पर। जो पहला परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, दूसरा जो नाम था दोस्तों फैट मैन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। अगर बात करते हैं कि दोस्तों कौन सा घटना जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों, यह है राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था यह प्रथम विश्व युद्ध दौरान हुआ था दोस्तों, यह 1920 में हुआ था, ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, उसी के दौरान राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, 1920 में किया गया था दोस्तों, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल, पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है, याद रखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्सलवाद से। याद रखिए दोस्तों कि पीपल्स वॉर ग्रुप जो संबंधित है ये नक्सलवाद से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला आपके सामने 11 नंबर सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल कह रहा है, ठीक है दोस्तों, 11 है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा खाली स्थान को अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जो भारत का संविधान है संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और इसको जो लागू किया गया था संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू किया गया था। कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और संविधान संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को। एक ही सवाल दो टाइप से पूछ दिया दोस्तों, ठीक है, अलग अलग जो है, एक ही सवाल जो है अलग अलग तरीके से पूछ दिया। यहाँ पे क्या पूछा, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। यहाँ पे पूछा है कि संविधान सभा ने कब पास किया, तो 26 नवंबर 1949, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो तो 13 नंबर सवाल देखिए, सवाल देखिए दोस्तों, सवाल पूछ रहा है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। कहां से अपनाया गया, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। कहां से अपनाया गया है, आयरलैंड के संविधान से, याद रखिए दोस्तों। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 है दोस्तों, 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 14 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची विषय पर, ठीक है, याद रखिएगा कि किस विषय पर, तो समवर्ती सूची विषय पर केंद्रीय और राज्य जो है सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, 3 सूची होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्रीय बनाएगा दोस्तों, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगा, और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा और राज्य दोनों बनाएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। केंद्र राज्य और समवर्ती सूची तीनों का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 15 नंबर सवाल देखिएगा, 15 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सबसे पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद 17 दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में क्या दोस्तों, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, कानून के समान समानता, ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों, ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 14 दोस्तों समानता का अधिकार है दोस्तों, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, यानी ठीक है, इसमें सही सुमेलित है दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन क्या है, बी सही है। अगला है 16 नंबर कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगर बात करेंगे कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का जो बजट है कौन पारित करता है, वित्त मंत्रालय करता है, याद रखिएगा।
अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 है कि भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो 17 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 1951-52 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का, 1951-52 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला 18 है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खाली स्थान वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अगला है 19 नंबर कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? याद रखिएगा 19 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम, किसका किया गया था? सिक्किम का, ठीक है। अगला देखेंगे 20 नंबर सवाल देखिएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम खाली स्थान में अस्तित्व में आया, ठीक है। याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 सितंबर 1872, याद रखिएगा। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये 1 सितंबर 1872 में अस्तित्व में आया, ठीक है। यानी 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। अगला 21 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है दोस्तों, ठीक है। याद देखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र जो है। शुक्र जो है दोस्तों ये ग्रह जो है, शुक्र ग्रह ये आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है। कौन? शुक्र ग्रह। शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों, किसको? शुक्र ग्रह को। मंगल के दो ग्रह कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, ठीक है, याद रखिएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर सवाल, ठीक है, 22 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 22 नंबर सवाल देखिएगा कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखिएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं युवा दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और युवा दिवस 12 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। अगर 1 दिसंबर के बारे में बात करते हैं, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस? विश्व एड्स दिवस। अगर बात करते हैं 4 दिसंबर को अगर बात करेंगे, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को मृदा दिवस, ठीक है, 10 दिसंबर को याद किया दोस्तों मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर को, ठीक है, याद रखिएगा 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विजय दिवस, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, याद रखिएगा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस है दिसंबर का। अगला देखेंगे 23 नंबर सवाल कि लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? याद रखिएगा ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लावणी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है दोस्तों? ठीक है, ये होता है एंथ्रासाइट। अगर बात करेंगे कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट। एक दोस्तों कौन सा होता है? पीट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट। एक होता है दोस्तों पीट कोयला, ठीक है, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला, 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे बढ़िया कोयला लिग्नाइट, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों बिटुमिनस, सबसे पहले एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला को माना जाता है, सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर, मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, याद रखिएगा। यानी विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों सबसे गहरा है। कौन सा? मेरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 26 नंबर की, निम्न में से कौन सा एक भूवर्ध राज है दोस्तों? ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बिहार, ठीक है। बिहार क्या है दोस्तों? जैसे कि उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये तीनों दोस्तों याद रखिएगा समुद्र से सटा हुआ है, लेकिन बिहार जो है दोस्तों ये समुद्र से सटा हुआ नहीं है। ये क्या है दोस्तों? भूवर्ध राज है। भूवर्ध यानी भूमि से घिरा हुआ राज्य है दोस्तों बिहार, और उड़ीसा दोस्तों सटा हुआ है, समुद्र से सटा हुआ है, गुजरात भी सटा हुआ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ऐसे टोटल 9 राज्य है दोस्तों, 9 राज्य ऐसे टोटल है दोस्तों, ये समुद्र से सटा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जो है राज्य जो है ये समुद्र से सटा हुआ है। बिहार जो दोस्तों समुद्र से सटा हुआ नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों 27 नंबर कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? ठीक है,
याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी क्या है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करते हैं गोदावरी नदी को बृहद गंगा, ठीक है, बृहद गंगा दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं गोदावरी नदी की लंबाई कितना है तो 1465 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कहां से निकलती है तो त्रिम्बकम की पहाड़ी से निकलती है, नासिक से निकलती है दोस्तों, ठीक है, गोदावरी नदी। अगर बात करते दोस्तों कावेरी महानदी के बारे में बात करते हैं कि सबसे बड़ी बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है दोस्तों, जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा महानदी की लंबाई है ये लगभग 854 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 28 नंबर सवाल देखिएगा कि किस बहुदेशीय नदी खाड़ी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है दोस्तों, ठीक है, किसका हुआ है, अभी हम बताएं हीराकुंड बांध का, ठीक है, याद रखिएगा यानी किस बहुदेशीय नदी खाड़ी परियोजना का निर्माण, तो हीराकुंड बांध का जो निर्माण हुआ ये महानदी पर हुआ है, ठीक है, ये तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों, याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा ये कहाँ है दोस्तों, तुंगभद्रा नदी ये कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा जो नदी है ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि टिहरी बांध दोस्तों, याद रखिएगा भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों टिहरी बांध, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 29 नंबर कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है दोस्तों, ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, यानी कि लगभग सभी जगह, यानी सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 30 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दहिया कहते हैं, क्या कहते हैं, दहिया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया कहते हैं, याद रखिएगा। अगला 31 नंबर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि कौन कौन सा है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, मोटे अनाज हो गया, फल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो लक्ष्य है, इन किन उत्पादकों को, किन उत्पादों के उत्पादों को बढ़ाना है दोस्तों, तो किसका किसका है, चावल को बढ़ाना है, गेहूं को, फल को नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, दलहन को होगा और मोटे अनाज, यानी 1, 2, 4 और 5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 32 देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, किसका कम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मेघालय का, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का, तो मेघालय का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 33 नंबर कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई, तो 33 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 19 अगस्त 1994 को, ठीक है। तो भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई, 19 अगस्त 1994 को हुई, ठीक है। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल देखिएगा, 34 आपके सामने है कि बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवास में, ठीक है। तो बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है, देवास में। अगला है 35 नंबर कि समुराई योद्धा वर्ग है दोस्तों, ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान में। समुराई योद्धा वर्ग कहां है, जापान में, ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है, येन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो मलेशिया राजधानी क्या है, मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर है दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग। अगला 36 है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की दोस्तों, ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स हार ग्रिब्स, ठीक है, याद रखिएगा कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की, जेम्स हार ग्रिब्स ने किया, याद रखिएगा, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर सवाल देखिएगा, 37 आपके सामने कह रहा है कि प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, ठीक है, यह दिया है दोस्तों, याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया, किसने दिया है, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन ने। अगला है 38 नंबर कि पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है, ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युग्मज कहलाती, क्या कहलाती है, युग्मनज, ठीक है, याद किया, यानी कि पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है युग्मनज। अगला देखिएगा 39 नंबर कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है दोस्तों, याद देखिएगा, दांतों जो हड्डियों में उपस्थित रहता है ये रहता है कैल्शियम फॉस्फेट, क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है, यानी कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला देखिएगा 40 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि पित्त रस का कार्य क्या होता है दोस्तों, ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा का एमल्सीकरण, क्या होता है, यानी वसा का एमल्सीकरण, पित्त रस का कार्य क्या होता है, वसा का एमल्सीकरण करना, ठीक है,
चलिए अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल। ठीक है चलिए दोस्तों 41 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपके सामने। देखिए दोस्तों 41 नंबर सवाल आपके सामने क्या है, 41 है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं याद रखिए दोस्तों, कहलाते हैं एंजिना पेक्टोरिस कहलाते हैं। ठीक है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं कहलाते हैं एंजिना पेक्टोरिस। अगला है 42 नंबर कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है दोस्तों याद कीजिएगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है बोमन संपुट जो है ये किस तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है याद रखिएगा। अगला देखिएगा 43 नंबर सवाल देखिएगा कि नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों। ठीक है ये होता है दोस्तों याद रखिएगा फाइलेरियासिस होता है दोस्तों। ठीक है याद कीजिएगा यानी कि नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, फाइलेरियासिस बीमारी होता है दोस्तों, फाइलेरियासिस बीमारी। अगला देखेंगे 44 नंबर की कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है किससे, तो 44 का ऑप्शन नंबर याद कीजिएगा सी हो जाएगा एनिलेडा से। ठीक है याद कीजिएगा यानी कीट संबंधित है किससे, एनिलेडा से। अगला दोस्तों 45 नंबर की रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है दोस्तों कौन सा है, तो विटामिन के यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है दोस्तों याद कीजिएगा, विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है याद रखिए दोस्तों, रक्त का थक्का ना जमना विटामिन के कमी से होता है, विटामिन के का रसायन नाम क्या होता है फिलोक्विनोन, विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों याद कीजिएगा कैल्सिफिरॉल, विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स। ठीक है याद रखिएगा। और बात करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकालना, विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है दोस्तों जो महिलाओं में होता है याद रखिएगा, विटामिन ई का रसायन नाम टेकोफिरॉल होता है। ठीक है चलिए अगला सवाल लिखेंगे 46 नंबर सवाल देखिएगा कि वायुमंडल में, ठीक है वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है दोस्तों याद रखिए कौन है, नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78% दोस्तों याद रखिएगा 78%। ठीक है अगर बात करते हैं उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कितना परसेंट, तो 0.03% दोस्तों। ठीक है याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों वायुमंडल में, कितना परसेंट 21%। तो वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है अब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है ब्रह्मांड में पूछेगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है अगला दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिएगा कि सन्नियता गुणांक का बीमा सूत्र है दोस्तों कौन सा है, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Mm1L-1T-1, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन्नियता गुणांक का बीमा सूत्र है Mm1L-1T-1। अगला 48 है कि वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलाम्ब याद रखिएगा, वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों कि अवश्य यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवसारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है क्या दोस्तों, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्राम जड़त्व। ठीक है अवश्य यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवसारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका कारण है विश्राम जड़त्व। अगला 50 नंबर कि कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है दोस्तों, ठीक है क्या कहलाती है, यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए विभव ऊर्जा। ठीक है यानी कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है, विभव ऊर्जा कहलाती है। ठीक है अगला सवाल देखिएगा 51 का सवाल है दोस्तों कि भूकंप किस कारण से आते हैं दोस्तों, तो विवर्त निकाल के कारण याद रखिएगा, विवर्त निकता के कारण। ठीक है भूकंप किस कारण से आते हैं, विवर्त निकता के कारण आते हैं भूकंप। ठीक है चलिए अगला देखेंगे 52 नंबर सवाल देखिएगा, 52 आपके सामने कह रहा है कि सोनार में, ठीक है सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होती है दोस्तों, सोनार में कौन सी तरंगे होती है, तो ये होते हैं दोस्तों पराध्वनि तरंगे। ठीक है सोनार में कौन सी तरंगे होती है, पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 53 नंबर सवाल कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, 53 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता, क्या कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा 54 नंबर सवाल दोस्तों
54 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है ये आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिएगा कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रृंखला बंधन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रृंखला बंधन। ठीक है, यानी कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्रृंखला बंधन कहलाती है। अगला सवाल देखिएगा, 56 नंबर सवाल देखिएगा, 56 है कि लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे को तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी, घटेगा। क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ठीक है, जब लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में तैर रही है, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर बढ़ेगा, सॉरी दोस्तों घटेगा, यानी 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जाते हैं 57 नंबर सवाल देखिएगा, 57 दोस्तों आपके सामने कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। दोस्तों ये कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार, वो समान होता है दोस्तों, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 58, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है दोस्तों। ठीक है, 58 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला है 59 नंबर, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कितने हैं, अक्रिय गैस सिक्स है दोस्तों। कौन कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ेनॉन, टोटल 6 अक्रिय गैस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला है दोस्तों 60 नंबर सवाल देखिए। 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है। देखिएगा क्या पाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O दोस्तों। ठीक है, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सम का CaSO4 2H2O। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 61 का है कि मीथेन CH4 के अणु में क्या होते हैं दोस्तों, तो 61 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए, केवल एकल अबंध होते हैं। क्या होते हैं, केवल एकल अबंध, यानी 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 62 नंबर सवाल देखिएगा, 62 है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, क्या है दोस्तों सत्य कथन, देखिए 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2S सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजी अबंध है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, ये भी दोस्तों गलत ही है। ठीक है, H2S सहसंयोजी यौगिक है दोस्तों, ये सही है आपका। ठीक है, यानी CO2 एवं CaO दोनों आयनिक यौगिक है दोस्तों, ये भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसका, 62 का। अगला देखिए दोस्तों 63 नंबर सवाल देखिएगा, 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा, तो 63 का ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों, 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लकड़ी का जलना। क्या है दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ का जल का बर्फ बनना दोस्तों फिर जमना, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन है, चीनी का पानी में घुलना दोस्तों ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लकड़ी का जलना क्या है दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लकड़ी जल गया दोस्तों फिर से लकड़ी नहीं बन सकता। ठीक है, जल अगर बर्फ बन गया है तो बर्फ फिर से जल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चीनी का पानी में घुलना, चीनी अगर पानी में घुल गई तो फिर से हम चीनी को पानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा 64 नंबर सवाल कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है दोस्तों। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuSn+Zn, यानी कॉपर, टिन और जिंक का। ठीक है, गन मेटल किसका मिश्रण है, कॉपर, टिन, जिंक का। ठीक है, चलेगा सवाल देखते हैं 65 नंबर सवाल देखिएगा, 65 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, 65 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 65 है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, याद रखिएगा, हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, रेडियो धर्मिता खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता खोज किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 66 है, एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है। ठीक है, याद रखिएगा, 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण क्या है दोस्तों, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है।
अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 67 नंबर सवाल देखिएगा, बिहार की स्थापना कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा 1912 में, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए 1911 में क्या हुआ था, तो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था दोस्तों। ठीक है, जो भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली कब बना था, बना था दोस्तों 1912 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते दोस्तों 1914 में क्या हुआ था, 1913 में दोस्तों क्या हुआ था, तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में, लाला हरदयाल ने किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है 68 नंबर, कि बिहार का कौन सा शहर पांच पहाड़ियों से घिरा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 68 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, उपयुक्त उसमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गया भी नहीं है दोस्तों, ना पटना है, ना आपका दोस्तों भागलपुर है, ना बोध गया है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई होगा। उपयुक्त उसमें से कोई नहीं, उपयुक्त उसमें से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 68 का ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 69 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कि 57 में, ठीक है, 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दामोदर मौजो को। किसके, दामोदर मौजो को, यानी कि 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, दामोदर मौजो को। अगला देखिएगा 70 नंबर सवाल, कि पीएम मोदी कब वर्चुअली एसएससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, कब करेंगे दोस्तों, ये करेंगे आपका 4 जुलाई को, कब करेंगे, 4 जुलाई। ठीक है, एसएससीओ। चलिए अगला सवाल देखेंगे 71 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए दोस्तों 71 नंबर सवाल क्या, अगर आपके सामने 71 नंबर सवाल है, कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं कि खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात करते हैं कि भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है दोस्तों, भुवनेश्वर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा कि भुवनेश्वर एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ये माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 72 नंबर, कि भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये पेश किया गया था 1968 को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, 1968 को। अगला सवाल देखिएगा 73 नंबर, कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को, यानी 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 74 नंबर सवाल देखिएगा, 74 कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है दोस्तों। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कितना है, तो 12 है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, यानी अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है, 12, यानी 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 75 नंबर, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक डांडी मार्च शुरू किया था दोस्तों। कब शुरू किए थे, 1930 में शुरू किए थे, यानी मेन तौर से शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को, समाप्त कब हुआ था दोस्तों, तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। ठीक है, यानी 78 लोगों के साथ शुरू किया गया था ये दांडी यात्रा, कितना किलोमीटर चलकर, तो 385 किलोमीटर चलकर ये नमक कानून विरोध किया गया दोस्तों। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 1929 में क्या हुआ था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में, जिसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। गलत सवाल देखिएगा 76 नंबर सवाल देखिएगा, 76 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, कौन सी है दोस्तों, 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कंपनी, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। अगला 77 है कि भारत में प्रथम परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो 77 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए हो जाएगा, 1974 में किया गया था, यानी भारत में प्रथम परमाणु जो परीक्षण किया गया था ये 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था, राजस्थान के पोखरण में 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो परीक्षण किया गया था 1999 में किया गया था, कब किया गया था, 1998 में किया गया था, कब किया गया था, दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था ये 1998 में किया गया था, कब किया गया था, 1998। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला दोस्तों आपके सामने 78 नंबर सवाल लिखिएगा। 78 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देते हैं 79 नंबर सवाल कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जिसमें करीब हजारों लोग मारे गए थे दोस्तों। ये कहाँ हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया दोस्तों, जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे, ठीक है। और जनरल ओडायर को गोली किसने मारा था लंदन जाकर, तो उधम सिंह ने मारा था 1940 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 80 नंबर सवाल लिखिएगा, 80 आपके सामने क्या कह रहा है, 80 है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है दोस्तों, अगर बात करते हैं, ठीक है, क्या सही है, तो 80 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था दोस्तों, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह दोस्तों सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, 81 नंबर सवाल लिखिएगा, 81 दोस्तों आपके सामने कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, यानी 81 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री को, ठीक है। यानी कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है, और भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, उनके महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग करके, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को हटाया नहीं जा सकता, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि वर्तमान में जो भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कहां रहने वाली है, ओडिशा के मयूरभंज जिला के रहने वाले दोस्तों, जो आदिवासी महिला है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने 82 कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल हिमालय में, ठीक है, यानी अरुणाचल हिमालय, यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने, 83 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है दोस्तों, ठीक है, कौन सा है, 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई है, ठीक है, याद है कौन है, चेन्नई, यानी कि भारत का कौन सा शहर, तो चेन्नई जो है दोस्तों ये डेट्रॉइट ऑफ एशिया ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। अगला है 84, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों, ये शुरू किया था, याद रखिएगा, 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, याद रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों अगला 85 नंबर कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित, ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद दोस्तों, ठीक है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे चमड़ा खड़काना कहाँ है दोस्तों, सबसे ज्यादा ये दोस्तों कानपुर में, ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों टोटल 85 सवाल कर लिया दोस्तों जीके जीएस प्रश्नों को बीआरएसएससी के इंटर लेवल का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।